वर्मा है और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मेरा हौसला बढ़ाएगा और मेरा जब हौसला बढ़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा और उसमें जो भी कमियां हैं उसे मैं दूर करता रहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहें। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अग्निवीर योजना में क्या बदलाव हो सकते हैं, बड़े बदलाव हो सकते हैं, वो क्या बदलाव होंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। अग्निवीर योजना 2024 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अग्निवीर योजना है क्या। अग्निवीर योजना वो है जो भारतीय सेना में सेवा करने के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में भर्ती किया जाता है और उन्हें सैनिक के रूप में जो भी ट्रेनिंग होती है वो उन्हें दिया जाता है, वो उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं और प्रशिक्षण ग्रहण करके फिर से वो आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी नई तरह से जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अग्निवीर योजना का मुख्य उद्देश्य केवल ये है कि युवाओं को देशभक्ति की भावना से प्रेरित कराना होता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होता है। इस योजना में न केवल युवाओं को सेना में सेवा करने का मौका मिलता है बल्कि उन्हें भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर भी प्राप्त होते हैं। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत भी बनाता है और इससे हमारी देश में आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से देश को सुरक्षा मिलती है और मजबूती भी मिलती है। इसके बाद अग्निवीर योजना 2024 के लिए आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में योग्यता नहीं होगी तो फिर आप अग्निवीर को ज्वाइन कैसे करेंगे। आयु सीमा आपकी 17 से 21 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपको उम्मीदवार को 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। कुछ पदों के लिए 12वीं कक्षा या इनके समकक्ष योग्यता की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर आप आगे इसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना पढ़ाई भी बढ़ा सकते हैं। शारीरिक फिटनेस का होना तो बिल्कुल भी जरूरी है, अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपका शारीरिक फिटनेस होना बहुत ही जरूरी है। उम्मीदवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए कुछ मानक शारीरिक परीक्षण होते हैं जिनमें दौड़, ऊंचाई, वजन आदि शामिल होते हैं। चिकित्सा परीक्षण, यहाँ पे आपको चिकित्सा परीक्षण को भी पास करना होता है, अगर आपने उसको पास नहीं किया तो आप इसमें भर्ती नहीं हो सकते हैं। उम्मीदवार को सेना के चिकित्सक मानकों को पूरा करना होता है जिसमें आपकी आंखों की दृष्टि, सुनने की क्षमता और अन्य स्वास्थ्य मापदंड शामिल होते हैं जिनकी परीक्षण किया जाता है और फिर आपको इसमें शामिल होने के लिए तैयार किया जाता है। राजनाथ सिंह ने कही थी अग्निवीर स्कीम में बदलाव की बात, तो वो बदलाव की बात क्या है अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अग्निवीर स्कीम के तहत कुछ मौलिक बदलाव करने के बाद जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कही थी, पीएम इटली की यात्रा से लौटने के बाद 17 से 18 जून को अग्निवीर में किए गए जाने वाले बदलावों को लेकर मीटिंग रखी गई थी जिसकी जानकारी जल्द ही आ गई। अग्निवीर स्कीम में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, वो भी 5 बड़े बदलाव हो सकते हैं। बाकी बदलाव होने के बाद में ही ये पता चलेगा। वैसे ये 5 बड़े बदलाव ये हो सकते हैं कि अग्निवीर के कार्यकाल को 4 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है, इसे और भी लंबा किया जा सकता है, 10 साल, 15 साल भी कर सकते हैं, 5 साल भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। 25% रिटेंशन की लिमिट को भी बढ़ाया जा रहा है। अग्निवीर के शहीद या घायल हो जाने पर उन्हें तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता की राशि भी प्रदान की जा सकती है और अग्निवीर जवानों की छुट्टियों में होने वाले अंतर में भी बदलाव किया जा सकता है। तो ये वीडियो मेरी यही है, यही जानकारी है, ये 5 बदलाव हो सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो के लिए मैं आपके साथ में आता रहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।